हेलो फ्रेंड्स, राव प्रतिभा चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो पुराना घर था उसको तोड़ के नया घर बना रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम ये आप देख सकते हैं पीछे पुराने घर को जो तोड़े थे उसी के सीलिंग और इधर कुछ गाटर रखती हैं, इन को साइड में कर दिया। अगली बारी लेंटर का बनाएंगे हम घर। तो हमारा कंडीशन उसकी भी ठीक थी, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लेंटर का बनाने का मन कर रहा था। चलो ठीक है, तो आज हम अपने घर के लिए चौखट और जो जंगले होते हैं वो लेने जाएंगे खैरथल अलवर। तो आपको वहाँ जैसे कैसे मशीनों से पत्थर को काटा जाता है, किस किस टाइप के, किस किस डिजाइन के चौखट और जंगले मिलेंगे, ये सब आपको इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। चलिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जो सबदल स्टोन कंपनी है उसमें, और ये आप देख पा रहे हैं जो एक बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है कि पत्थर बड़ा होता है उसको पीसीस में काटा जाता है, तो सबसे पहले यही मशीन यूज होती है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि पानी है, पानी की सहायता से मतलब पत्थर पे पानी डालती जाएगी और काटती जाएगी ताकि पत्थर चटके ना। इधर आप ये इनमें जो ग्रिल लगती हैं बीच में जंगले में वो हैं, और ये वेंटिलेटर के डिजाइन दिखाए जा रहे हैं आपको। ग्रिल भी काफ़ी टाइप की हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेटर लगता है उसके डिजाइन दिखाए जा रहे हैं। देखो कितने सुंदर डिजाइन आप देख सकते हैं। और ये देखो एक डिज़ाइन, ये देखो नीचे रखा है, इसके बीच में भी कुछ डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। और ये देखो एक दूसरा है, छोटा है ये थोड़ा सा। तो ये अब देखो ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो दरवाजे के ऊपर लगते हैं ना, वो ये पत्थर के बने हुए हैं सारे, ठीक है। और ये देखो एक डिज़ाइन ये इस टाइप का है। और इससे आगे ना दूसरी मशीन लगी हुई है जहाँ पर ना इसकी फिनिशिंग की जाती है, जो जो चौखट वगैरह बनती है ना उसको काटा जाता है, उसका डिज़ाइन यहीं से तैयार किया जाता है। इस मशीन छोटी मशीन से इसका जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है, देखो ये रखा पत्थर यहाँ पे, इस पत्थर को काट के और इसका डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन बनाए जाते हैं ये जो। तो दोस्तों अभी जो आप चौखट देख रहे हैं ये दरवाजे की और जो विंडो की होते हैं वे चौखट रखी हुई है, और वेंटिलेटर के छोटे वाले, ठीक है। और यहाँ पर जो एक हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जो पत्थर रखा है, ये यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है ये इसको बड़ी मशीन से काटा जाएगा, और इसमें ना चौक से या कुछ ऐसी चीज़ से लाइन दे रखी है जहाँ से काटा जाएगा ये पत्थर, ठीक है। इसकी फिनिशिंग होगी वहाँ से और तब ये चौखट वगैरह तैयार होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे जो ये वाली चौखट रखी है, काफ़ी डिजाइन की चौखट रखी है, छोटी बड़ी, छोटी वाली वेंटिलेटर के लिए और बड़ी वाली दरवाजे के लिए, और मीडियम साइज़ की जो हैं वो जंगले जो होते हैं 4x4 के या 5x5 या 6x4 के हों, ठीक है, उनके लिए हैं ये सारी चौखट आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये छोटे वाले रखे हुए वेंटिलेटर के लिए हैं, और यहाँ कुछ गाटर भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको ना कुछ ये वाले छोटे जो हैं ये उनके लिए हैं जो वेंटिलेटर हैं उनके लिए रखे हैं, ठीक है। ये वेंटिलेटर की रखी हैं ये वाली चौखट हमने खरीदी थी। और ये जो है ये जो पिलो मतलब जो पिलर होता है वो है, ये भी मतलब पत्थर के बनाए हुए हैं पिलर, और ये दरवाजे भी, और ये कुछ यहाँ पे और ये वाले पत्थर हैं, गाटर पत्थर भी हैं, ठीक है, टुकड़ी जो होती हैं। और ये देखो आप डिजाइन देख सकते हो दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेटर लगता है उसका डिजाइन है, ये दूसरा डिजाइन है, ये काफ़ी बड़ा डिजाइन है, देखो ये काफ़ी मतलब बड़ा है, जो मेन जो पोर्च होता है हो सकता है उसका हो ये, ठीक है। और ये एक गमला का गमला है जो है ना, और गमला नहीं लाइटिंग लगेगी इसमें, नहीं गमला था वो तो गेट के ऊपर जो लाइट, ये देखो कितना बड़ा है, ये मेरे को लगता है जो मतलब पोर्च होता है ना मेन उसका जो वेंटिलेटर के लिए यूज करते हैं वेंटिलेशन के लिए वो है, ठीक है। और ये वाली सिंपल जो चौखट होती है वे हैं,
और अभी आपको दिखाते हैं जो ये वाले जो है ना, जो लाइटिंग है गेट की, जो लाइटिंग लगती है ना, वो भी ये पत्थर की बनाई हुई है लाइटिंग, देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये कुछ पत्थर हैं दूसरे टाइप के, और ये जो दरवाजे वगैरह हैं जो लैट्रिन बाथरूम में जो दरवाजे लगते हैं ना, वो वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ है, दूर से पहाड़ दिख रहा है, जैसे भी है। और यहाँ पे ना हमारी गाड़ी खड़ी है, जिसमें पहाड़ से आ रहा है ये पत्थर सारा। ये जो पत्थर होता है ये इसी पहाड़ से आता है, और यहाँ पे से कटिंग करके यहाँ पत्थर चौखट वगैरह जंगले वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये वाली जो है ना, ये जो चौखट दिख रही है आपको, ये वाली हमने खरीदी है सिंपल चौखट जो है दरवाजे के लिए, और ये विंडो के लिए जो छोटी है, वो विंडो जो खिड़की होती है उनके लिए, जंगले के लिए 6x4 की, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली छोटी जो दिख रही है, ये वाले वेंटिलेटर जो ऊपर लगते हैं ना, उनके लिए है। और यहाँ पे आपको पहाड़ दिखा देते हैं, वो दूर सी पहाड़ है, बहुत दूर, वो देखो थोड़ा दिख रहा है, जूम करके दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये पहाड़ है। और यहाँ से ये पत्थर सारे लाए जाते हैं, और यहाँ पे इसकी कटिंग करके उनके चौखट जंगले वगैरह बनाए जाते हैं। ये कपास रखे किसी की है पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अभी ले चलते हैं आपको अंदर। ये देखो यहाँ पे ना जो होल निकलते हैं, जैसे जो चौखट में जो होल किए जाते हैं, वो इस मशीन से निकाले जाते हैं। आप मशीन देख सकते हैं, ये भाई होल करने लग रहा है इस जो चौखट में, सारे होल वगैरह इसी से किए जाते हैं इस मशीन से। और यहाँ पे कटिंग हो रही है देखो यहाँ पे इनकी, और ये वाली जो जाली जो बीच में लगती है जंगले के, जो ग्रिल बोलते हैं, जाली बोलते हैं, वो वाली जाली है, दो तीन डिजाइन की जाली यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो यहाँ से हमने ये सिंपल वाली जाली ली है अपने विंडो और जो वेंटिलेटर होता है उसके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, उन पे ना लाइनिंग की हुई है, चौक से की हुई है, पता नहीं किससे की हुई है। और यहाँ पे इस मशीन के द्वारा इसको पत्थर को ना सारे को काटा जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है, और फिर छोटी मशीन में जो दूसरी वाली मैंने आपको दिखाई थी उसमें उसको डिजाइन किया जाता है चौखट को, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी ये मशीन है, और यहाँ पे जो ऊपर नलकी लगी हुई है ना, इससे इसको पानी आता है, जिससे इसकी आसानी से कटाई हो इसके, और धूल वगैरह ज़्यादा न उड़े, और आसानी से इसको काटा जा सके। देखो पत्थर देख सकते हैं आप, ये वाले पत्थर। फ्रेंड्स आप देख चुके हैं कि हम पत्थर के जंगले और चौखट तो लेके आ चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि चौखट पत्थर की ज्यादा बेस्ट है या फिर एल्यूमिनियम और या लकड़ी में से कौन सी बेस्ट है। वैसे लकड़ी की थी पर मेरे इधर मिट्टी में प्रॉब्लम है कुछ दिमाग का, इसलिए आपकी बार मैंने पत्थर चूज किया। बाकी आप बताएंगे मुझे बेस्ट है कि नहीं है, और वो तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। और साथ में ही रा प्रतिभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।